बिहार में आज पहले चरण का मतदान 71 सीटों पर हो रही है वोटिंग। 2 बजे तक हुई 38% से ज्यादा वोटिंग, कई जगह ईवीएम खराब होने की शिकायत। बिहार में जारी है रैलियों का सिलसिला, दरभंगा, पटना और मुजफ्फरपुर की जनता को पीएम ने किया संबोधित। मुजफ्फरपुर रैली में बोले पीएम, जंगलराज के युवराज से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। राहुल के ट्वीट पर मचा बवाल, बीजेपी चुनाव आयोग से कर सकती है शिकायत। मतदान के दिन राहुल ने की महागठबंधन को वोट देने की अपील। यूपी राज्यसभा चुनाव में तेज है सियासी गर्मियां, मुश्किलों में घिरी बसपा। बसपा के विधायकों ने की बगावत, 6 विधायकों ने नाम लिया वापस। चिराग पासवान ने नीतीश पर साधा निशाना, तेजस्वी और नीतीश को बताया एक, कहा चुनाव परिणाम के बाद महागठबंधन के साथ मिल जाएंगे नीतीश। आज मजदूर संघ सरकार के खिलाफ करेगा विरोध प्रदर्शन, नए लेबर कोड कानून के खिलाफ लामबद्ध हुए मजदूर। राष्ट्रीय मजदूर संघ ने किया ऐलान, जब सरकार मांग पूरी नहीं करेगी तब तक जारी रहेगा प्रदर्शन। बीजेपी प्रत्याशी को नहीं याद रही आचार संहिता, कमल का मास्क लगा वोट देने निकले मंत्री प्रेम कुमार, आचार संहिता के आरोपी में FIR दर्ज। बिहार में है जारी चुनाव प्रचार, राहुल गांधी ने भी जनता को किया संबोधित, दरभंगा और पूर्वी चंपारण में की रैली। पूर्वी चंपारण में बोले राहुल, अब मोदी ने 2 करोड़ की बात कही तो भीड़ भगा देगी। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अंबानी बंधुओं से Z+ सिक्योरिटी वापस लेने की याचिका, कहा खर्च उठाने को तैयार हो तो सरकार दे सुरक्षा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कमलनाथ पर हमला, नहीं थमा है आइटम वार, कहा जो आपके मंत्रिमंडल में था उसका नाम आप कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि वो एक महिला हैं, दलित हैं। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर राग, भारत को दिया शांति का प्रस्ताव, कहा कश्मीर से अपनी सैन्य घेरेबंदी को खत्म करे भारत। इमरान खान की ढीली पड़ रही पकड़, नवाज शरीफ के वार से बैकफुट पर पाकिस्तानी सेना, PDM की तीसरी रैली में फिर से नवाज के निशाने पर थी पाकिस्तानी सेना। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आई हिंदू महिलाएं, रिपब्लिकन पार्टी को समर्थन देने की अपील की, ऑनलाइन सत्र में रखे अपने विचार। बांग्लादेश आज से शुरू करेगा भारत के लिए हवाई सेवा, एयर बबल व्यवस्था के तहत भारत आ सकेंगे यात्री, पिछले 7 महीने से बंद है सेवा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य कमांडरों के सम्मेलन को आज करेंगे संबोधित, अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के दौरे की वजह से बदला कार्यक्रम, राजनाथ को मंगलवार को संबोधित करना था सम्मेलन। इकोनॉमी में सुधार के नए संकेत, प्रवासी मजदूर ज्यादा पैसे भेज रहे हैं घर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में नए रजिस्ट्रेशन की बढ़ी संख्या। घरेलू बाजार में लगातार 26वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं, कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कभी मामूली तेजी तो कभी मंदी का रुख, अभी भी महामारी के असर से उबरा नहीं है बाजार। बिहार चुनाव प्रचार के लिए पहुंची अमीषा पटेल ने सुनाई आप बीती, लोजपा पर साधा निशाना, कहा जो परिस्थितियां बनाई गई थी वैसे स्थिति में उनका रेप भी हो सकता था। बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार पर कंगना का हमला, कहा पापा के पप्पू ने जनता के पैसे किए खर्च, बीएमसी ने कंगना के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे वकील को दिए थे 82 लाख रुपए। और आज IPL 2020 में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने, अंक तालिका में टॉप पर चल रही है मुंबई इंडियंस, जीत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेंगी दोनों टीमें।